आपकी आवाज में आज मुलाकात कर रहे हैं प्रियंका जी अग्रवाल से। प्रियंका जी वार्ड नंबर 21 से बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी हैं। प्रियंका जी आपका स्वागत है आपकी आवाज पे। आपका परिचय बताएं हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल वार्ड नंबर 21 की भाजपा प्रत्याशी पार्षद की तैयारी कर रही हूं। और हम लोगों का पिछले 8-10 साल से एक लेडीज क्लब है। हम लोग काफी सोशल वर्क हमने अपने क्लब में किए हैं, जैसा कि पौधारोपण है, प्याऊ लगाना है, गरीब बच्चों की सेवा के भाव से कार्य करना है। इसी कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे मन में एक विचार आया। हमारे क्लब में 350-400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो पिछले 8-10 साल से इस तरह के काम करती आई हैं। तो हम सब लोगों के मन में विचार आया, क्यों ना मैं इस काम को बहुत ही उच्च स्तर पे, एक अच्छे स्किल पे ले जाएं। और फिर ये पार्षद की तैयारी मैंने शुरू करी। और बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से हमारा पूरा परिवार, हमारी जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस से और बीजेपी से बहुत प्रेम से जुड़ी हुई है। और जब हमें पार्षद का भी मौका मिला तो हमारा जो वार्ड नंबर 21 के सभी क्षेत्रीय जो कि जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हमको ये सोशल वर्क को उसको आगे बढ़ाना है, उस हिसाब से हमने ये तैयारी करी है। तो वार्ड नंबर 21 में कौन कौन से एरिया आते हैं आपके? वार्ड नंबर 21 में सेक्टर 3, सेक्टर 2, प्रेम कुंज के सामने LIC फ्लैट्स, सेंट्रल स्पाइन, ये एरिया LS नगर, ये राजीव नगर, ये सब आते हैं, मदनबाड़ी, प्रफुल्ल नगर, जेम्स कॉलोनी। ऐसी समस्या है वार्ड नंबर 21 में जो आपने नोटिस की हो? बेसिक हम लोग पिछले 8-10 साल से जो सोशल वर्क करते आए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक साफ सफाई मेंटेनेंस की जो समस्याएं हैं वो लगातार रहती हैं। और बिजली का है, लाइट वगैरह है, मेंटेनेंस वगैरह है, बेसिकली साफ सफाई का है, गार्डन मेंटेनिंग का है, वो सब हम लोगों ने सोचा कि इस गाड़ी को आने की भी समस्या रहती है। हाँ, वो सब समस्याओं का ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि इसको बहुत सुविचारित रूप से, अच्छे रूप से किया जाए। आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे अपने वोटर से वोट के लिए? मैं ये चाहूंगी कि वैसे तो ये जनता का फुल सपोर्ट है, मैं जहां जहां भी गई हूं एक पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिले हैं। और क्योंकि 10 साल पुराना एक फैमिली बैकग्राउंड बीजेपी से और साथ में हमारा 10 साल पुराना क्लब का एक्सपीरियंस लोगों की नजर में बोलता है और लोग हमें काफी बोल रहे हैं, काफी अच्छी तारीफ मिली है कि मैम हम पहले भी आपने अच्छा काम किया था और हम इस बात से खुश हैं कि आप आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, पूरी उम्मीद बंधी हुई है। तो मैं यही चाहूंगी कि लोग मुझे सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी करेंगे और मैं उनके विश्वास में खरा उतरूंगी। अजय, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कविता जैन टैलेंट टीम से हूँ। हम साथ में ही वर्क करते हैं, मैं प्रियंका जी, हम साथ में सोशल वर्क वगैरह करते आए हैं और 10 सालों से कर रहे हैं और इसी भावना के साथ हम लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं। तो पार्षद, मैं वीना पवार टैलेंट क्लब से हेड मेंबर्स हूँ और 10 साल से हम प्रियंका जी के साथ है, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आगे भी हम हर कार्य करेंगे, पौधारोपण है, साफ सफाई का जो भी आगे करना है वो हम आगे से करेंगे। हाँ, मैं विनोद अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल मेरी धर्मपत्नी है और मैंने देखा कि इनका जज्बा जो है बहुत बहुत तगड़ा है और ये सोशल वर्क में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो लॉकडाउन के दरमियान भी इन्होंने काफी काम किया, हालांकि मैंने कई बार कहा कि कभी दिक्कत आ सकती है, पर उसके बावजूद भी इन्होंने अपना जज्बा त्यागा नहीं। तो उसी विचार से जो है इन्होंने आगे अपने आप को बढ़ाया और बाकी सब लोगों के सहयोग से इन्होंने जो है ये किया। ये सोचा कि भी क्यों ने पार्षद का चुनाव में जीत हासिल करके और जनता की सेवा की जाए। मैं राजेश नाडानी, निवासी LIC नगर। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे को एक कर्मठ और एक समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में प्रियंका अग्रवाल आ रही है, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा, हमारे वार्ड की समस्याओं को इन्होंने अपने मन में उतारा, उस पे विचार करते हुए इन्होंने अपने पार्षद लड़ने का जो चुनाव का निर्णय किया, हम उसके लिए इनका पूर्ण रूप से पूरे सेक्टर नंबर वार्ड नंबर 21 से इनको पूर्ण तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो भी वादे हमसे किए हैं ये उस पर पूर्ण रूप से तत्पर रहेंगी और रहती आएंगी, क्योंकि हमने इनके कार्य को
जब एक विपदा आई महामारी का जो रूप था उस समय इन्होंने जो गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करी और घर घर जाके लोगों को मास्क और उनको समझाया कि ये एक महामारी का रूप है, ये समय भी कट जाएगा, उसकी उनकी लोगों को इन्हों को सराहा। मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे ही कार्य करती रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आत्माराम सिंगल इनका रिश्तेदार हूँ और मैंने यहीं के निवासी हैं। मैं वार्ड 77 से हूँ, रिश्तेदार होने के नाते यहाँ भी सेवाएं दे रहा हूँ, वहाँ भी दे रहा हूँ। तो मैं इनका जुझारूपन, इनका ऊर्जापन, इनकी ये इनका जुझारूपन मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये हमेशा दूर सौ के दर्द से जुड़ने के और उनको हेल्प करने की आदत इनकी रही है। ये ऊर्जावान डायनेमिक है और वो हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोचती रहती है। आपने देखा होगा समस्याओं के लिए लोग पार्षद के पास जाते हैं, ये पार्षद आपके द्वार वाली बात रहेगी, ये आगे होकर के लोगों की समस्याओं को समाधान देती रहेंगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। और हम भाजपा के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इनको एक ऊर्जावान और सक्षम सदस्य समझते हुए चुना। माय नेम इज अनुश्री यादव एंड आई वांट टू से दिस ओनली कि मैंने एक बार प्रियंका आंटी को सोशल एक्टिविटीज करते हुए देखा एंड आई सजेस्ट हर टू मेक इट द वार्ड नंबर 21 पार्षद। तो मैंने आंटी को कहा कि प्लीज आंटी एक बार आप इसमें भी चांस करें कि आपको, क्योंकि मैंने आपको देखा है कई लोगों की हेल्प करते हुए वार्ड में आके सबका आगे पीछे ध्यान रखते हुए। तो आंटी का जो भी था तो हमने बोला कि आंटी हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो आंटी ने बोला कि ठीक है मैं इनमें सब चीजों में लगूंगी। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, जीतेगी वह जीतेगी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, जीतेगी वह जीतेगी, भारत माता की जय।